थाना अधिकारी द्वारा यह आदेश तथा सूचना मिली हुई है कि विलेज सचिवालय के सरपंच के घर पर 4 टेररिस्ट छुपके बैठे हुए हैं। उन टेररिस्ट को ढूंढ निकालना या बर्बाद करने की जिम्मेदारी यूएनजीआर घातक प्राणी को दी गई है। तो जो ये टेररिस्ट है ये काफी कम सेकंड के लिए नजर आते हैं और ये भीड़ में मिल जाते हैं, ये छुप जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा मेन मुद्दा है वो है शूट टू किल। अगर 2 सेकंड के लिए भी टेररिस्ट नजर आता है तो उसको ऐसी गोली लगनी चाहिए कि वो वतन की ताकत, वतन की शान, वतन की आन, हमारे वीर जवान। ये फौज की वो टुकड़ी है जो कि हर एक डिफरेंट आर्म से आई है, स्पेशली ट्रेन की जाती है ताकि मिलिटेंट को यहाँ से खदेड़ा जा सके। कोई भी ट्रेनी यहाँ पर आए तो उसको घाटी के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी पहाड़ हो वो कितना भी ऊंचा दिखाई दे, लेकिन जब हम उसकी हाइट पर होते हैं तो वो हमारे पैरों के नीचे होता है। जम्मू कश्मीर की दोहरी जिम्मेदारी के लिए जिस जगह पर हिंदुस्तान के वीरों को प्रशिक्षित किया जाता है, आज हम आपको उसी कोर बैटल स्कूल में ले चल रहे हैं। जो भी यहाँ पर सोल्जर आते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओ हो या जवान हो, वो एक पीस टाइम लोकेशन से आ रहे हैं जहाँ पर कॉन्टेम्प्रेरी युद्ध या पारंपरिक युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग। बट यहाँ पर हमारे जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं उनके साथ हमारे जो एंगेजमेंट रेंजेस है वेरी शॉर्ट, क्लोज क्वार्टर बैटल हम कहते हैं, मे बी 30 मीटर्स, मे बी मैंने 10 मीटर्स एट सम प्लेसेस। जो वो ट्रेनिंग वहाँ नहीं करते हैं वो यहाँ आके वो लोग सीखते हैं। सबसे पहले जब भी CBS में कोई नया जवान आता है सबसे पहले उसकी फिजिकल फिटनेस की कार्रवाई करते हैं हम। एक फौजी की जो असली सिखलाई होती है वो इधर ही मिलती है हमें। अगर आप प्रयास करें तो हर एक काम वो संभव है, जो जवान अगर चाहे तो उसे 100% कर सकता है। खतरा मन में होता, दिल में नहीं होता। जो मजा सर ये सियाई इलाकों में नौकरी करने के लिए है वो सर पीस एरिया में नहीं। इस क्षेत्र में जो भी सैनिक जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं उन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना होता है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी तैनाती हो या फिर मुख्य इलाकों में जहाँ पर आप आतंक के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हैं। युद्ध लड़ने और आतंक के खिलाफ जंग लड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारतीय सेना की ट्रेनिंग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होती है। एंटी टेरर सोल्जर बनने की पहली सीढ़ी होती है एक नई चुनौती के लिए तैयार होना, और यही निर्णायक है कोर बैटल स्कूल यानी CBS। यहाँ पर हम 2 तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि पीस टाइम में हमारे जवान सभी करते ही हैं, लेकिन यहाँ जो आते हैं यहाँ आने के बाद LC पे तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो हम करते ही, उसके लिए ट्रेनिंग करते ही करते हैं, लेकिन हिंटरलैंड में CICT के लिए काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए हम बंदों को पहले यहाँ ट्रेन करते हैं पेट्रोल्स को, उसके बाद ही वो ऑपरेट करते हैं। जो भी यहाँ पर सोल्जर आते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, JCO हो या जवान हो, वो एक पीस टाइम लोकेशन से आ रहे हैं जहाँ पर कॉन्टेम्प्रेरी युद्ध या पारंपरिक युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग। बट जैसे वो लोग घाटी में आते हैं 15 कोर जोन में या नॉर्दर्न कमांड में कहीं पर भी डिप्लॉय होते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका इंटेलेक्चुअल जो थॉट प्रोसेस है, बौद्धिक कौशल है, उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब मैं बौद्धिक कौशल की बात कर रहा हूँ या मानसिक रूपरेखा को बदलने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट हम लोग जो समझते हैं कि कोई भी ट्रेनी यहाँ पर आए तो उसको घाटी के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। CBS का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसे इलाके के लिए सैनिकों को तैयार करना जो आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए घाटी में तैनात किए जाते हैं। क्रू स्थित इस CBS की स्थापना 1997 में की गई थी। क्योंकि एंटी टेरर ऑपरेशंस में कामयाबी के बावजूद हम बड़ी संख्या में अपने सैनिक गंवा रहे थे, सैनिकों को ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जो उन्हें जम्मू कश्मीर के इलाके से परिचित कराए। आम नागरिकों को नुकसान से बचाते हुए घरों में छिपकर बैठे आतंकियों को मार गिराने का तरीका सिखाए। सीमा पार से घुसपैठ रोकने की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल रही।
लक्ष्य ये कि पहाड़ की चोटियां हो या समतल जमीन, इलाके के चप्पे चप्पे पर डोमिनेशन में सक्षम हो। फिफ्टीन कोर बैटल स्कूल में जितने भी इंस्टॉलेशन है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कश्मीर को ध्यान में रखते हुए है। आप जैसा कि जानते हैं कि कश्मीर में पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके भी हैं, जंगली इलाके भी हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए और कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आतंकवादी यहाँ पर जिस तरह के चैलेंज हमारे सामने देते हैं उसको निपटने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। आइए इस कोर बैटल स्कूल के दिलचस्प पहलुओं से आपका परिचय कराएं। ऑब्स्टिकल कोर्स को ही देख लें तो यहाँ पर जिस तरह के 17 अवरोध लगाए गए हैं वो दरअसल प्राकृतिक तौर पर जो जमीन पर मिलते हैं इन इलाकों में, चाहे एक पहाड़ी चढ़ाई हो या फिर पेड़ के तने हो या फिर कांटेदार तारे हो जो कि हर इलाके में लगाई रहती है यहाँ पर, तो वो सारी चीजों का परिचय और उनकी ट्रेनिंग यहीं पर हो जाती है। इसे देखिए, देखने में ये एक आम कश्मीरी गांव है लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। ये गांव एक खास कारण से बनाया गया है। लोग यहाँ पर जो हमारे 15 कोर जोन में ट्रूप्स आते हैं वो काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार कश्मीर वैली में आते हैं और जो लोग दोबारा भी आ रहे हैं वो एक गैप के बाद आते हैं। तो यहाँ के जो गांव, मोहल्ला लेआउट किस प्रकार से होता है, लेंस बाय लेंस किस प्रकार से होती है, उनको किस प्रकार से हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के हिसाब से देखना है वो समझाने के लिए यहाँ पे हर एक ट्रूप को इस गांव के थ्रू गुजारा जाता है, जो कि तकरीबन आपने देखा है, तकरीबन इसका नाम है। एक एक चीज का बेहद बारीकी से ख्याल रखा गया है, एक एक बात पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि जिन ऑपरेशंस के लिए ये फौजी जाते हैं उसमें चूक की गुंजाइश नहीं होती। तो 15 कोर जोन में जो भी हाइड आउट पकड़े गए हैं इन द पास्ट, सो वो सारे हाइड आउट्स यहाँ पर इस गांव में रिक्रिएट किए गए हैं, घरों के अंदर, लेंस के अंदर। तो जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए मोडस ऑपरेंडी टेररिस्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो सारे हम यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ट्रूप्स जब एक्चुअल ऑपरेशन एरिया में जाएँ तो वहाँ पर दे आर सेंसिटिव, दे आर अवेयर। ऑब्वियसली वो कोई नए तरीके अपनाते रहेंगे लेकिन जब ये सब चीज़ें देख लेंगे सो दे आर नाउ सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के गांव अलग अलग दिखते हैं, घरों का निर्माण भी अलग होता है। इस गांव में कश्मीर के गांवों के टिपिकल घर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के गांवों में फर्क होता है। इस काउंटर इंसर्जेंसी विलेज में ये फर्क भी दर्शाया गया है। साउथ कश्मीर में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है तो किचन वगैरह घर के बाहर, जैसे कि घर से लगा हुआ लेकिन बाहर। इसी तरह जो नॉर्थ कश्मीर में है, थोड़ी सी ठंड ज्यादा होने की वजह से किचन बाथरूम सब अंदर ही होता है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। चलिए हम आपको एक पूरा ऑपरेशन दिखाते हैं जहां प्रशिक्षण के लिए हूबहू वो माहौल तैयार किया गया है जो किसी मुठभेड़ में होता है। इस टीम को केवल इतना बताया गया है कि इस गांव में कहीं आतंकी छिपे हैं, वो कहां हैं, उन्हें कैसे पकड़ना है, मुठभेड़ में किस तरह की समस्याएं आएंगी, ये सब नहीं बताया गया। बेहद सावधानी और सतर्कता से बड़ी पैर में बटकर सैनिक गांव में बढ़ते हैं, आम लोगों को सावधानी से बचाते हुए। तलाशी लेकर आगे बढ़ते हुए उन्हें जिस घर का अंदेशा था वहीं से गोलियां चलने लगी। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया था लेकिन घर को घेरते ही उन पर पत्थरबाजी होने लगी, जैसा कि हर ऑपरेशन में देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों को वहां से दूर रखते हुए सैनिक अब इस कोशिश में जुट जाते हैं कि आतंकी जिस घर में छिपे हैं वहां से घर वालों को बाहर निकाला जाए। सरपंच साहब के घर को चारों तरफ से फौज ने कॉर्न कर लिया है। इसके अंदर जितने भी मरीज, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। अमूमन ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि सेना मानवाधिकार नहीं देखती, केवल मारना जानती है, लेकिन ट्रेनिंग का ये हिस्सा देखिए जहां आतंकी को मारने से पहले उसे सरेंडर कराने की कोशिश भी सिखाई जाती है। इसके अंदर जो भी मुजाहिद है अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो वो सरेंडर करे, नहीं तो फौज अपनी कार्रवाई करेगी।
लेकिन सतर्कता पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं। बाहर आते लोगों की चेकिंग के जरिए ये देखा जाता है कि कहीं कोई आतंकी फरार तो नहीं हो रहा। आतंकी का खात्मा ट्रेनिंग का अंतिम विकल्प है। जरा सोचिए, भारतीय सेना के जिन जवानों को योद्धा बनाते हुए भी ऐसे संस्कार दिए जाते हों, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं होंगे। लेकिन मानवीयता केवल मानवों के लिए। जो दानव हैं, जो आतंक का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, सेना के इन शूरवीरों से सामना होते ही वो दुनिया छोड़ देते हैं। ये जो अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं, ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है। लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर छुपी हूँ, उस तरीके से यहाँ आतंकवादी अपना हाइडआउट बनाते हैं, यहाँ पर छुप कर, और जो सैनिक यहाँ से आ रहे होते हैं उन पर निशाना साध सकते हैं। इसीलिए जब इस रास्ते से चल कर जाना होता है तो चाहे ज़मीन हो, चाहे ऐसे मैनहोल हो, चाहे घरों के भीतर अलमारियां हो, किचन में छज्जे हो, कमरों के छज्जे हो, हर जगह बहुत ध्यान देना होता है। न जाने कौन कहां से आपका दुश्मन आप पर निशाना साध रहा हो। घाटी में आज तक जितने भी किस्म के ऑपरेशंस हुए हैं, उन्हें यहां इस गांव में हूबहू उतारा गया है। किचन की छत में छिपने की जगह है, अलमारी में छिपने की जगह है, चिमनी में छिपने की जगह है, मैनहोल में छिपने की जगह है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नजदीक ही एक हाइडआउट, ये जो मैनहोल आपको दिखाई दे रहा है गटर का, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ हाइडआउट, टेररिस्ट में छुप सकता है। मतलब ऐसा हो चुका है पास्ट में? हो चुका है। सो जब हम सिक्योरिटी फोर्सेज जाते हैं तो इस मैनहोल को भी हमको चेक करना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। सो इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये जो गैस पाइप आ रहा है, इस गैस पाइप को सूंघ के पता चलता है कि ये एक्चुअल का मैनहोल है या हाइड आउट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या स्मेल में डिफरेंस? ऑब्वियसली उसमें बदबू आएगा और उसमें फाउल स्मेल नहीं होगा अगर सिर्फ हाइड आउट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बदलते समय के साथ क्रूज स्थित सीबीएस में नई नई तकनीकें भी जुड़ती चली गईं। यहां सैनिकों को मानवाधिकार के बारे में भी बताया जाता है, तो आईईडी से निपटने की पूरी प्रक्रिया पढ़ाई जाती है। भारतीय सेना के जवान कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, इसीलिए इनका ऑपरेशन आतंकियों के खात्मे पर खत्म नहीं होता। पूरे इलाके की गहन जांच के बाद अगर कहीं कोई विस्फोटक बरामद होता है तो अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी उसे निरस्त करके ही उस गांव को छोड़ते हैं। कोर बैटल स्कूल में हर महीने करीब 3,500 सैनिक आतंक के खिलाफ लड़ाई का प्रशिक्षण लेते हैं। घाटी में तैनात कोई ऐसा सैनिक नहीं जिसने यहां से प्रशिक्षण न ली हो। शक होने पर गार्ड को टेन टुकड़े। यहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने के लिए जो टुकड़ियां आती हैं, उनका प्रशिक्षण 2 हफ्तों के लिए होता है और राष्ट्रीय राइफल्स की जो टुकड़ियां आती हैं, उनकी ट्रेनिंग 4 हफ्तों की होती है। भारतीय सेना में आने के साथ ही एक रिक्रूट के स्तर से ही फायरिंग की ट्रेनिंग तो दी जाती है। आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है, फिर सीबीएस में अलग क्या होता है? सीबीएस में बहुत कुछ अलग होता है। फायरिंग का हर वो तरीका जो आपको जंगे मैदान में या फिर अपने दुश्मन के सामने किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करना हो, उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ इन सैनिकों को 1-2 नहीं बल्कि 10-10 तरीकों से फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। भागते दुश्मन पर फायरिंग, खुद भागते दौड़ते हुए फायरिंग, ऊंचाई से नीचे की ओर फायरिंग, नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग, कवर फायरिंग, गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते फायरिंग, बड़ी पैर में फायरिंग, चलती गाड़ी से फायरिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग, अलग अलग हथियारों से फायरिंग। अमूमन जब सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ भड़क के वाले इलाके या आबादी वाले इलाके से गुजरते हैं तो ये देखा गया है कि टेररिस्ट भीड़ का फायदा उठा के उनके ऊपर ग्रेनेड लॉबिंग या फायरिंग करते हैं। ऐसे समय में एक सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार से गाड़ी में से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और आबादी वाले इलाके में किस प्रकार से एक्शन करते हैं, उसी का इस रेंज के ऊपर प्रैक्टिस दिया जाता है।
ये इंसानों द्वारा निर्मित एक बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स है, यानी जितने भी अवरोध यहाँ हैं, वो प्राकृतिक नहीं बल्कि बनाए गए हैं। पर कुछ इसी तरह दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ना है, ऊंचाई से गिरना है, पेड़ों की लताओं से या फिर चट्टानों पर रस्सी से झूलना है, किसी पतली सी सुरंग से निकलना है, गहरी खाई के ऊपर से इतनी ही पतली पगडंडी से गुजरना है। जरा सी चूक और मौत निश्चित, लेकिन संभल संभल कर चलने का तो समय ही नहीं है, इसीलिए 17 बाधाओं को पार करने के लिए अधिकतम 12 मिनट का समय दिया जाता है। हर एक बाधा का एक पर्टिकुलर एक हमने उसका साइंटिफिक वैल्यू लिया है कि बॉडी के किस पार्ट के किस मसल को वो टारगेट करती है। तो जो टोटल 17 में से जो 9 ऑब्स्टिकल हैं वो अपर टॉर्सो को टारगेट करते हैं और बैलेंस जो है कि वो लोअर बॉडी के लिए है। और ये पूरा का पूरा इवेंट जो आपने करना होता है, ये टाइम के साथ रहते करना होता है और एक टीम पूरा एक टीम कॉम्बैट एक्शन टीम पूरी की पूरी टीम एक सेक्शन लेवल पे इसको करती है। जरूरी ये भी है कि पूरी की पूरी टुकड़ी समय के तालमेल में सक्षम हो, क्योंकि अगर एक भी धीमा होता है तो पूरी टीम की रफ्तार कम हो जाती है। जब आप सीआई ऑप्स में काम करते हैं तो एज ए टीम आप काम करें और उस टीम का जो फिजिकल स्टैंडर्ड हो वो एक जैसा हो। तो इसी रिक्वायरमेंट के बेस पे इसी पे आधारित हमने ये एक बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है। एज ग्रुप इसमें काफ़ी वेरिड होगा और एज ए टीम आपने काम करना है। वो टीम स्प्रिट को बढ़ाने में भी ऑटोमेटिकली इसका एक रिजल्टेंट है, वो एक लेसन है कि एक टीम स्प्रिट भी बनता रहे उसमें। यहाँ प्रशिक्षण का पूरा जोर माइंड मोरल और मसल पर, यानी दिमागी शक्ति, मजबूत हौसला और ताकतवर शरीर, क्योंकि जब असली परिस्थितियों में इनकी तैनाती होती है तो सबसे ज्यादा काम यही आते हैं। इनकी ट्रेनिंग दिन में खत्म नहीं होती, अमूमन आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू तब शुरू होता है जब दिन खत्म होता है। यहाँ जवानों को ये खबर दी गई है कि कुछ आतंकी पहाड़ के रास्ते घुसपैठ करने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर जवानों की ये टुकड़ी चंद मिनटों में पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात हो गई है। सन्नाटे में आवाजों को सुनकर और अपने नाइट विजन का सहारा लेकर ये आतंकियों को ढूंढ निकालते हैं। आज भारतीय सेना के पास वो हथियार हैं जो घुप अंधेरे में आंखों का सहारा बनते हैं। ऐसी बंदूकें हैं जो लंबी दूरी से सटीक निशाना लगा सकती हैं। और वो हौसला जो लंबे कठिन ऑपरेशन के लिए चाहिए, वो तो हमारे सैनिकों के पास हमेशा से रहा है। आतंकियों को ढूंढने के बाद बेहद खामोशी से टीम ने उनके पास आने का इंतजार किया। सही दूरी पर आते ही ढेर कर दिया। ये केवल एक टास्क था। ये आतंकी नकली थे, गोलियां भी नकली थी, लेकिन हिम्मत असली थी। जवान अपनी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ चुके थे। प्रशिक्षण में जितना समय लगाया जाए उतना कम समय मुकाबले में लगता है। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाया जाए उतना कम खून मुकाबले में बहता है। ये नियम है और इस नियम का पालन करते हैं हमारे योद्धा। लेकिन ये समझिए कि जिस इलाके में इन्हें ऑपरेट करना पड़ता है वहां पर रोज नई चुनौती होती है। चुनौती की शक्ल रोज नहीं होती है, मुश्किलों का चेहरा अलग होता है और उसके लिए ये प्रशिक्षण यहाँ CBS में इन्हें तैयार करना है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सत्या के साथ श्वेता सिंह, क्रू आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।